वो अपने चुनाव में कितना नीचे गिर सकते हैं वो उन्होंने और उनकी पार्टी ने दिखा दिया है। ये एक पर्चा है जो बीजेपी वालों ने, गौतम गंभीर जी ने मेरी पूरी लोकसभा में, अलग अलग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में, विवेक विहार में, कृष्णा नगर में, अलग अलग हिस्सों में, न्यूज़पेपर में बांटा है। और आज जब ये पर्चा मैं मीडिया के सामने रख रही हूं तो ये पूरे देश के लिए सवाल होना चाहिए कि हमारे देश में कैसी राजनीति होती है, खासकर एक महिला के खिलाफ। मेरे जैसा इंसान राजनीति में इसलिए नहीं आया कि मुझे पैसा चाहिए था, शोहरत चाहिए थी। ये पर्चा मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं। उन्होंने, गौतम गंभीर जी की टीम ने यह पर्चा बांटा है जो कहता है आतिशी मालीना नो योर कैंडिडेट। आतिशी मालीना इज कंटेस्टिंग फ्रॉम आर ईस्ट दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एज आम आदमी पार्टी कैंडिडेट। शी इज द डॉटर ऑफ विजय कुमार सिंह एंड तृप्ता वाही एंड मैरिड टू अ क्रिश्चियन फ्रॉम आंध्र प्रदेश, दैट इज अ बी फीडर। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्स्ड ब्रीड। फादर इज अ जाट फ्रॉम यूपी, मदर अ पंजाबी एंड अ हस्बैंड अ क्रिश्चियन फ्रॉम आंध्र प्रदेश। इन हर यूथ डेज she worked as a primary teacher in a small school in a remote village in Andhra Pradesh, where she was called red-handed while having sex and in a compromising position with another teacher of the school. The matter got flared up and the man had to marry her under compelling circumstances. She has written in her write-up that she worked as an advisor to Manish Sisodia, the deputy CM of Delhi, with effect from 2015 to 2018. She is known for her education policies and political activism. What sort of policies she can make when she has worked only as a primary school teacher? The reality is that she is working as a gunda element for and on behalf of Kutta Kejriwal and Kanjar Sisodia.